नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच द रियलिटी और मैं हूं आपके साथ तिशा जैन। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। गुवाहाटी शहर पुलिस ने शुक्रवार को हाथी गांव में 3 कुख्यात बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान मेघालय के दारा संगमा, बक्सा जिले के गोमेश्वर बसुमतारी और कामरूप जिले के छैगांव के टिंकू दास के रूप में की गई। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के ईद समारोह में शामिल होकर नमाज अदा करने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वाले कांग्रेस सांसद नमाज पढ़ रहे हैं, ये उनकी धार्मिक ईमानदारी पर सवाल है। हिमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो कांग्रेस नेता उदासीन थे, वह विरोध कर रहे थे, अब ईद में शामिल होकर नमाज पढ़ रहे हैं। यह उत्सव राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय उनमें क्यों नहीं था। शुक्रवार को मिजोरम के आइजोल और हनाहलान में चलाए गए 2 अलग अलग ऑपरेशनों में असम राइफल्स ने बड़े पैमाने पर 11 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की। उसी जब्ती में सुरक्षा बलों ने म्यांमार के 2 नागरिकों को भी पकड़ा और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें चंपाई पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां कर विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। मोदी ने शुक्रवार को राजस्थान के बाड़मेर में एक जनसभा की। मोदी ने इस दौरान कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सोच ही विकास विरोधी है। ये लोग देश के सीमावर्ती गांव को देश का आखिरी गांव कहते हैं। ये लोग सीमावर्ती जिलों को, गांव को जानबूझकर विकास से वंचित रखते थे। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी और लालू यादव को आड़े हाथ लिया। पीएम मोदी ने दोनों नेताओं का नाम लिए बिना उनकी तुलना मुगलों से की और उन पर देश के बहुसंख्यक लोगों को चिढ़ाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। दरअसल पीएम ने पिछले साल सावन के दौरान का एक वायरल वीडियो का जिक्र किया जिसमे राजद नेता लालू यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक साथ मटन पकाते नजर आ रहे थे। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी जिसकी सुनवाई टाल दी गई है। दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में प्रचारक करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। राव रेवेन्यू कोर्ट ने उनकी अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई की। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को मनीष सिसोदिया की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है। अब सिसोदिया की अंतरिम जमानत की अर्जी पर 20 अप्रैल को सुनवाई होगी। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े केस में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को राव रेवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस से नेताओं का पलायन जारी है, वो एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब से कुछ वर्षों में कांग्रेस डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगी। कांग्रेस नेता रोजाना एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी टीवी शो बिग बॉस के घर की तरह बन गई है, वो रोज एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। गया में शुक्रवार एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान ने एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए चिराग ने मीसा भारती के पीएम को जेल भेजने वाले बयान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिसके परिवार पर खुद भ्रष्टाचार का आरोप लगा है वो पीएम के बारे में क्या बोलेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को निशाने पर लिया है। प्रियंका ने शुक्रवार को कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में 1 लाख से ज्यादा किसानों ने सुसाइड किया है। किसानों की न तो आय 2 गुना हुई है और न ही एमएसपी दी गई है। उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर न सिर्फ एमएसपी की गारंटी दी जाएगी बल्कि किसानों के लिए कर्ज माफी भी होगी।